नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व के बारे में। और ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये है प्योर प्लस एस वेरिएंट, जिसकी एक शोरूम कीमत है 11.69 लाख रुपीज़। आज की इस वीडियो में आपको इसका एक डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूं कि इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गाड़ी के अंदर जो है एज स्टैंडर्ड जो है वो 6 एयरबैग का ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पहले एक्सटीरियर, फिर इंटीरियर और सारी चीज़ आपको डिटेल्ड में यहाँ पर बताता हूँ इस वेरियंट के बारे में। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 BHP की पावर। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग, ABS, ABD ये सभी फीचर्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको LED DRLs मिलते हैं। LED आपको हेडलाइट्स जो हैं वो मिलती हैं, जो कि आपकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स यहाँ पर हैं। फ्रंट की जो ग्रिल है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगती है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। और जब आप साइड प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में मिलता है। 17 इंच के आपको यहाँ पर स्टील रिम्स मिलते हैं और जो टायर प्रोफाइल है वो आपको मिलती है 215/60R17। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है। कर्व की यहाँ पे ब्रांडिंग करी गई है। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में आपको जो ORVMs हैं वो मिलते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स जो हैं वो दिए गए हैं। रूफ आपको यहाँ पे देखिए, जो एक सनरूफ है काफ़ी बड़े साइज़ की वो आपको मिलती है। लोअर विंडो गार्निश यहाँ पर दी गई है। 45 लीटर का आपको जो पेट्रोल फ्यूल टैंक है गाड़ी के अंदर वो मिलता है। लेंथ गाड़ी की यहाँ पर है 4.3 मीटर, काफ़ी बड़ी लेंथ है। जो व्हील बेस है वो भी आपको काफ़ी कमाल का मिलता है। तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिलता है। ये गाड़ी का बैक ग्लास है, इसके अंदर आपको डिफोगर नहीं मिलता है, लेकिन LED आपको टेल लाइट्स मिलती हैं। और ये जो लाइट्स है ना, ये कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको नहीं मिलती हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे दिया गया है और नीचे यहीं पे जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो मिलता है। 2 रिवर्स में पार्किंग सेंसर जो है आपको गाड़ी के अंदर वो देखने को मिलते हैं। और कर्व की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर की गई है। और जब आप गाड़ी को इस प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, वाकई में गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासी है। तो ये सभी चीज़ें तो थी यहाँ पे एक्सटीरियर की। अब चलते हैं इंटीरियर में। उससे पहले आपको की दिखाता हूँ। इस तरीके की आपको की मिलती है, फ़िलिप की है। 3 बटन्स यहाँ पे मिलते हैं और दूसरी आपको जो नॉर्मल की है वो यहाँ पे मिलती है। और ये है इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको चारों ही पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। 1 टच आप डाउन नहीं कर सकते, ना ही अप कर सकते, जो इसका ड्राइवर साइड ग्लास है। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है। नीचे की साइड आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे वाटर होल्डर का स्पेस है और देख सकते हैं अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी दिया गया है। यहाँ से आप अपने ORVMs को इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। फ्रंट की जो सीट्स हैं यहाँ पे, इसमें आपको दोनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। फैब्रिक सीट्स यहाँ पे हैं और जो ड्राइवर साइड सीट है इसको आप मैनुअली हाइट एडजस्ट इसकी कर सकते हैं। इस तरीके की फिनिशिंग में आपको दिए गए हैं यहाँ पर AC वेंट। और यहाँ पर आप जो की है वो लगा सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलता है। सो ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग है, जो कि आपका यहाँ पर एक टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑडियो के कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपकी 4 इंच के साथ है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे जो है फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर दिया गया है। और सेंटर में ये जो डिस्प्ले है, इसके अंदर आप देख सकते हैं टाइम साथ के साथ आपको दिखाती है कि इको मोड में गाड़ी चल रही है, सिटी मोड में, स्पोर्ट्स मोड में, डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे ये गाड़ी आपको दिखाती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है वो भी। अब बात आती है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये आपको यहाँ पे मिलता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और आपको ना इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये इसके यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी है। गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे आपको इसके साथ मिलती है। और इसके साथ आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स जो हैं वो मिलते हैं, 2 ट्विटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और जो टच का रिस्पॉन्स है ना, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे। जो साउंड सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे गाड़ी का काफ़ी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो AC वेंट है नीचे की साइड वो देखने को मिलेंगे। और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ से इसका जो टेलगेट है उसको ओपन कर सकते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है। यहाँ से आप जो फैन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैनुअल आपको यहाँ पे AC मिलता है और उसके कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB टाइप सॉकेट, एक आपको C टाइप चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिलता है। और ये है इस गाड़ी का 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ से आप गाड़ी के जो मोड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। आप इको मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड में जिसमें आपका मन करे उसमें गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे
ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिलता है, और सेंटर में आपको जो आर्मरेस्ट है वो मिलता है जो इसके साथ कनेक्टेड यहाँ पे है। तो काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे एक स्पेस है यूटिलिटी के लिए वो गाड़ी में आपको मिलता है। और ये इसका मैनुअल यहाँ पे हैंड ब्रेक है। जब आप आएंगे IRVM तो मैनुअल आपको गाड़ी के अंदर जो IRVM है वो मिलता है। यहाँ पे रूफ़ में एक LED लाइट मिलती है। ये आपका यहाँ पे जो सनरूफ है, ये देखिए आप सनरूफ़ का जो साइज़ है, काफ़ी अच्छे साइज़ की सनरूफ है। इसका कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलता है, इसको आप वॉइस कमांड के साथ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड आपको एक वैनिटी मिरर दिया गया है, फोल्डेबल आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, और ड्राइवर साइड आपको सिर्फ यहाँ पे टिकट होल्डर का जो स्पेस है वो दिया गया है। अब आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स। तो ग्लोव बॉक्स जो है गाड़ी का वो काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे है। ये देखिए आप, टाटा फेमस है अपनी गाड़ियों में बड़े ग्लोव बॉक्स देने के लिए। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा जो ग्लोव बॉक्स है वो इस टाटा कर्व के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है। डैशबोर्ड की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की जो डैशबोर्ड की फिनिशिंग है वो आपको मिलती है। अब चलते हैं इसके रियर सीट पर, मैं आपको रियर सीट दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या स्पेस और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। और यह है गाड़ी का रियर डोर। यहाँ पर आपको पावर विंडो का जो स्विच है वो मिलता है। नीचे की साइड आपको स्पीकर और बोटर होल्डर का स्पेस दिया गया है। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग यहाँ पे हैंडल्स में दी गई है। और ये है इस गाड़ी की रियर की सीट। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलती है। रियर में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। रियर सीट पर आपको यहाँ पे जो AC वेंट है वो भी मिलते हैं, साथ के साथ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और सी टाइप चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। जब आप इंटीरियर में आके बैठते हैं गाड़ी के, तो आपको डैशबोर्ड की फिनिशिंग कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। रियर सीट पे आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स और यहाँ पे LED जो लाइट है ना वो मिलती है, जो कि आपको दोनों साइड मिलती है। तो अंदर बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है। 5'11" मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे नीरूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है, और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी कमाल की आपको मिलती है। तो इस तरीके का व्यू आता है अंदर, काफ़ी प्रीमियम लगता है जब आप देखते हैं। ये जो वेरिएंट है काफ़ी कमाल का वेरिएंट है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये जो टेल लाइट है ना, ये आपकी LED टेल लाइट है, लेकिन ये कनेक्टेड टेल लाइट आपकी नहीं है। और जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब करते हैं इसका बूट ओपन और आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, जो कि इसका सबसे बड़ा बूट स्पेस है। 500 लीटर्स का आपको यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो टाटा कर्व के अंदर मिलता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दी गई है गाड़ी के अंदर। और जब आप देखेंगे ये जो बूट है ना, ये प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा बूट है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड आपको एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो भी गाड़ी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। और नीचे यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है गाड़ी का वो मिलता है। टूल किट जो है वो भी यहीं पे रखी हुई है। और ये जो स्पेयर व्हील है ना, ये आपका देखिए प्रोफाइल जो है 215/65 R16 है। ये एक प्रोफाइल छोटा टायर यहाँ पर आपको मिलता है गाड़ी के अंदर। बाकी ये जो सीट है इसको आप बेंच फोल्डिंग में ही फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट में ही आपको नहीं मिलती है। तो अभी टेलगेट करते हैं बंद और कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आपको कंप्लीट फीचर्स बताए गाड़ी के, एक्सटीरियर के, इंटीरियर के। और ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिली जाती है। ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो गाज़ियाबाद या फिर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो वहाँ पे आपको इसकी ऑन रोड कीमत लगभग मिलने वाली है 13.60 लाख रुपीज़। लगभग 13,50,000 रुपये के अंदर आपको ये टाटा कर्व का प्योर प्लस S वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।